अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा संभाग कौन सा है? इसका आंसर है जोधपुर संभाग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्रफल में बड़ा संभाग है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग कौन सा है? इसका आंसर है साथियों बीकानेर संभाग, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केवल दो ही संभाग है, जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल में और बीकानेर सबसे कम है क्षेत्रफल में। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो इसका आंसर है साथियों कोटा संभाग। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर संभाग। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? इसका आंसर है जयपुर संभाग। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? इसका आंसर है जोधपुर संभाग। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो इसका आंसर है साथियों कोटा संभाग। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है वो कोटा संभाग है। इसका आंसर हो जाएगा कोटा। राजस्थान का सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? इसका आंसर है साथियों जोधपुर संभाग। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया जी ने समाप्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? तो चिंकारा को राज्य पशु 22 मई 1981 को घोषित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 22 मई 1981। चिंकारे को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो साथियों चिंकारा को छोटा हरिण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा छोटा हरिण। राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे किस जिले में देखे जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर जिले में देखा जाते हैं। इसके आंसर हो जाएगा जोधपुर जिला। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो गोडावण है। इसका आंसर है गोडावण। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गोडावण का वैज्ञानिक नाम है साथियों क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। इसका आंसर हो जाएगा क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडावण को हाड़ौती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है साथियों मालमोरड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा रोहिड़ा। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। अब साथियों खेजड़ी का भी वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में मिलते हैं? तो खेजड़ी सर्वाधिक नागौर जिले में देखने को मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा नागौर जिला। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों बास्केटबॉल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ी। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। इसका आंसर हो जाएगा केसरिया बालम। ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा कब मिला था?
तो साथियों, ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा वसुंधरा राज्य सरकार ने 19 सितंबर 2014 को दिया था। इसका आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 2014। राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट साथियों जैसलमेर जिले में देखने को मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है, या कभी कभी आभूषण का नाम देकर कह दिया जाता है कि यह है किन का आभूषण है। तो साथियों, उस आभूषण का नाम है गोरबंद। यह गोरबंद है वो ऊंट के गले में पहना जाने वाला आभूषण है। जयपुर की स्थापना किसने की व कब की? साथियों, जयपुर नगर की स्थापना है वो सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को की थी। इसका आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह, 18 नवंबर 1727। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है? राजस्थान का राज्य कवि साथियों सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है वो श्रीलंका के क्षेत्रफल के करीबन 5 गुना है। इसका आंसर हो जाएगा 5 गुना। उदयपुर जिले की आकृति किस देश जैसी है? तो उदयपुर है साथियों वो ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश जैसी। श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की? श्री गंगानगर जिले को महाराजा गंगा सिंह ने स्थापित किया था। इसका आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह। कोटा जिले के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, कोटा जिले के संस्थापक माधो सिंह है। इसका आंसर हो जाएगा माधो सिंह। राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? तो जम्मू कश्मीर के समान अजमेर संभाग दिखता है। इसका आंसर हो जाएगा अजमेर संभाग। राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार आकृति में अजमेर जिला है। आंसर अजमेर। बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की? तो बूंदी को राव देवा ने स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा राव देवा। राज्य में फलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? सर्वाधिक फल साथियों श्री गंगानगर में होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है? तो ऊन का घर साथियों बीकानेर जिला कहलाता है। सर्वाधिक ऊन यहाँ से उत्पादित होती है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो साथियों, राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर जिले को जाना जाता है। साथियों, ऐसे दो सवाल है राजस्थान की। एक होती है स्वर्ण नगरी, तो यह तो जैसलमेर है, और एक इससे मिलता जुलता और है राजस्थान की सुवर्ण नगरी, तो वो साथियों जालोर हो जाएगा उसका आंसर। तो ये आप गलत मत कर देना, क्योंकि ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान की सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो उसमें साथियों सु होता है, सुवर्ण नगरी वो है जालोर है। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले को जरोखों की नगरी भी कहते हैं? साथियों, जरोखों की नगरी भी जैसलमेर को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहते हैं। पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिला। यहाँ पर बहुत ज्यादा पवन चक्कियां लगी हुई है, इस कारण इसे पंखों की नगरी भी कहते हैं। राजस्थान की थार नगरी किसे कहते हैं? तो थार नगरी बाड़मेर जिले को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? तो मारवाड़ का लघु माउंट भी पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो ग्रेनाइट नगरी के नाम से जालोर को जाना जाता है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो राजस्थान का पंजाब है वो साथियों जालोर के सांचौर क्षेत्र को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सांचौर। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो राजस्थान का शिमला साथियों माउंट आबू को कहा जाता है। यह सिरोही में पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही।
राजस्थान का बरकोयांस किसे कहा जाता है? राजस्थान का बरकोयांस भी माउंट आबू को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू। सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान का कौन सा जिला कहलाता है? सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान के उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? जिलों की नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। एशिया का वियना कौन सा शहर कहलाता है? तो एशिया का वियना उदयपुर शहर को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। राजस्थान का विंडसर महल कौन सा महल कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा साथियों उदयपुर का राजमहल, जिसे राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है। राजस्थान की प्राचीन ताम्र नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यहाँ साथियों जिला नहीं हुआ, स्थान होगा, यह आड़ है। आड़ उदयपुर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आड़ उदयपुर। बांगड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? बांगड़ का पुष्कर साथियों बैणेश्वर धाम डूंगरपुर को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बैणेश्वर डूंगरपुर। आदिवासियों का शहर के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। राजस्थान की लोडी काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो लोडी काशी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। कांटल के नाम से किस जिले को जाना जाता है? कांटल के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? साथियों यहाँ राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, क्योंकि स्थान है वो रावतबाड़ा है, ये चित्तौड़गढ़ में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो साथियों राजस्थान का हरिद्वार है वो मातृकुंडिया को कहा जाता है, ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा मातरकुंडिया राशमी चित्तौड़गढ़। राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कानपुर कोटा जिले को कहते हैं। राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान का नालंदा कोटा जिले को कहा जाता है। राजस्थान को कौन सा जिला उद्यानों का नगर कहलाता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला उद्यानों का नगर कहलाता है? तो उस जिले का नाम है कोटा जिला। इसका आंसर हो जाएगा कोटा। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं।